तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यावर के साथ घर जाने के बारे में। बाबा कहते हैं जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मैंने यावर के साथ जिंदगी ना गुजारने का फैसला कर लिया है और इस फैसले में आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। इतना दूर रहने में और छोड़कर जाने में काफी फर्क होता है। ये बात सही है कि यावर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो नाकाबिले माफी है, लेकिन बेटा तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है, गुड़िया की खातिर तुम्हें दिल पे पत्थर रख के उसके घर जाना होगा। नहीं, मुझे मजबूर नहीं करे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस झूठे धोखेबाज के साथ रहना। अब अगर वो नाक रगड़ता भाभी इस घर की दहलीज पर आएगा ना, मैं आप सुन ले, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। बेवकूफी वाली बातें मत करो। अम्मी, ये बेवकूफी की बात नहीं है। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूं। इतना हौसला सबर है मुझ में, अपने आप को भी संभाल सकती हूँ, अपनी बेटी को भी संभाल सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं कहीं जॉब कर लूंगी, मैं भी खर्च उठा लूंगी, अपनी बेटी का भी खर्च उठा लूंगी। मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनूंगी। कोई बोझ नहीं हो तुम हम पर बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हें आबाद देखना चाहते हैं। खुशियां तो शायद आपकी बेटियों की किस्मत में ही नहीं है, पर आपकी इस बेटी की किस्मत तो अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीख है।